तो टेक्नो की तरफ से एक नया फ़ोन आ गया जो कि कल ही लॉन्च हो गया था। तो आज मैं आप सबको इस फ़ोन के बारे में फुल रिव्यू देने वाला हूँ और लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, ये फ़ोन कैसा है। तो चलिए वीडियो में बने रहे। तो टेक्नो की तरफ से एक नया फ़ोन आया जिसका नाम है टेक्नो कैमोन 16। कैमोन जैसा नाम है, लगता है चाइनीज ही नाम डाल दिया है। टेक्नो कैमोन 16 नाम से ये फ़ोन है। तो ये ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा, और प्राइस की बात करो तो लगभग 11,000 में ये फ़ोन आपको मिल रहा है। लेकिन स्पेक्स की देखें तो क्या ये फ़ोन लेना सही रहेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये फ़ोन नहीं लेना है तो इसके बदले में कौन सा फ़ोन रहेगा इसके इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो मेरा नाम संदीप कुमार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा दो और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करो। तो चलिए बात करते हैं टेक्नो कैमोन 16 के बारे में। इस फ़ोन की मैं डिस्प्ले से बात करूँ तो आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले जो कि पंच होल में रहेगा और IPS पैनल के साथ। लेकिन इतना बड़ा डिस्प्ले दिया है लेकिन HD+ रेजोल्यूशन के साथ दिया है, तो थोड़ा क्वालिटी में हमें कमी देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले में, क्योंकि हम उतना प्राइस 11,000 के लगभग प्राइस दे रहे हैं लेकिन हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। उतना बड़ा डिस्प्ले है लेकिन HD+ है, तो क्वालिटी में थोड़ा सा कमी तो आपको देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले जो है 6.8 इंच का है लेकिन HD+ है। अगर इस फ़ोन की मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी ठीक ठाक है, 5000mAh का आपको इस फ़ोन में बैटरी जो है देखने को मिल जाता है। अगर चार्जिंग की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, माइक्रो USB के साथ 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस फ़ोन का जो मेन हाईलाइट है वो है कैमरा, जो कि इसमें आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। तो सिर्फ मेगापिक्सल पर मत जाइए, आपका कितना भी मेगापिक्सल देगा लेकिन उसका सेंसर बढ़िया रहा तो तभी आपका फोटो जो है वो अच्छा से अच्छा आएगा, इसलिए आप मेगापिक्सल पर ध्यान मत दीजिए। तो इस फोन में आपको क्वाइट कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है रियल में, जो कि प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का जो है वो माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ सेंसर। एक जो कैमरा है फालतू में जो है उसमें दे दिया है, उसका कोई वैसे काम नहीं है, जो कि A1 कैमरा है इसे फालतू में डाल दिया है। इस फ़ोन में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है उतना हाई लेवल का प्रोसेसर है, वैसे काफ़ी कम ही लेवल का ऐसे प्रोसेसर है, जो कि MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि उतना खास प्रोसेसर नहीं है, उतना गेमिंग आप नहीं कर देंगे लेकिन डेली टास्क के लिए प्रोसेसर अच्छा लगभग है। अच्छा डेली टास्क के लिए अगर आप गेमिंग वेमिंग उतना नहीं करना चाहते इस प्रोसेसर पर, तो इस फ़ोन पर तो ये प्रोसेसर आपके लिए अच्छा है। तो ये प्रोसेसर जो है उतना ज़्यादा खास नहीं मुझे लगा है, क्योंकि इतना प्राइस ले रहा है लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फ़ोन भी देखने को मिल जाता है 11,000 के अंदर में। इस फ़ोन के मैं सेंसर से बात करूँ तो आपको पीछे में फिजिकली जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है, माइक्रो USB का पोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के साथ। तो इस फ़ोन में प्राइस की बात करूँ तो ये एक ही ब्रांड में आता है, 4GB एंड 64GB। कलर की बात करूँ तो एक वाइट कलर में आता है और एक ब्लू कलर में आता है। इस फ़ोन की मैं प्राइस की बात करूँ तो एक ही वेरिएंट है, तो प्राइस जो है 10,999 के प्राइस में ये फ़ोन आता है, जो कि हमें थोड़ा सा खटका, क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक और बढ़िया फ़ोन आता है जिसका नाम है Redmi Note 9, जो कि काफ़ी अच्छा है। 48 मेगापिक्सल है लेकिन इससे कहीं बेटर उसका कैमरा होगा हमें जहां तक लगता है। उसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, पंच होल में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है उसमें यूज किया गया है, लेकिन इस फ़ोन में उतना ज़्यादा प्रोसेसर हाई नहीं है, बस कैमरा में 64 मेगापिक्सल का डाल दिया है, उससे थोड़े ना कैमरा अच्छा हो जाता है मेगापिक्सल से। तो आप सब अगर लेना चाहते हैं तो आप Redmi Note 9 की तरफ जा सकते हो, वो फ़ोन इससे ज़्यादा बेटर है, तो आप सब उस फ़ोन के पीछे जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा। कुछ इस तरह का रिव्यू निकल के आया था टेक्नो कैमोन 16 के बारे में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो को समाप्त करते हैं।